जी अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं इकबाल फास्ट फूड पर, जो अमली तौर पे बड़ा मशहूर और मकबूल होता चला जा रहा है, और जानने की कोशिश करेंगे कि यार यहाँ का जो रोल है, जिंगर बर्गर है, बारबेक्यू है, बड़ी फेमस होती जा रही है। यकीन करें लिटरली मैंने अनऑफिशियली जो इंटरव्यू किया है और बड़ा अच्छा पाया मैंने, यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ सुल्तान। काशिफ सुल्तान साहब, ये बताएं, माशाल्लाह आप मौजूद हैं इकबाल फास्ट फूड पे, क्या मतलब यहाँ के रोल जिंगर की तारीफ है, ये सच में तारीफ हो रही है या है कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे तारीफ करा दी गई है? सबसे पहले वो तारीफ उस खुदा की जिसने इतना खूबसूरत जहान बनाया और जहान में इतने खूबसूरत खूबसूरत लोग पैदा किए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या आप इसी तरह टाइम कायम रखे। नो डाउट ज़बरदस्त टेस्ट है यहाँ का, और मैं फेज वन आजम टाउन आदम बस्ती यहीं से बिलोंग करता हूँ, तो माशाल्लाह से वहाँ से मैं यहाँ लेने के लिए आता हूँ। और मैं आज नहीं, अरसा दराज से, अब तो यूँ समझें कि फैमिली क्लाइंट बन चुका हूँ इनका। अच्छा। और टेस्ट के मामले में नो डाउट आउटस्टैंडिंग, ग्लोरियस, जबरदस्त। माशाल्लाह सर, आपने इतनी तारीफों के पुल बांध दिए जी, आप इनके बंदे तो नहीं हैं? नहीं नहीं, मेरा तो ऑर्डर तैयार हो चुका है। अच्छा, आए कैमरा में दिखाएं, देखें ये इनका अपना ऑर्डर है। और कहावत है ना कि जो चीज पहले अमली तौर पर आप खुद ट्राई करें, फिर दूसरे मुसलमान भाई को या दीगर जो भी हमारे भाई हैं उनको जो है आप तरकीब दें, आप उनको फिर जो है सजेशन दें। तो ये अपना ऑर्डर ले चुके हैं, माशाल्लाह गरम गरम सर, खुशबू आ रही है, मैं यकीन करें वाकई में आपका अपना है। चेक भी कर सकते हैं जी। जी आप वाँ वाँ। नहीं नहीं, चेक नहीं करेंगे, माशाल्लाह आपने बता दिया, आपके अल्फाज से हमने जायका ले लिया जी। अच्छा, तो आना चाहिए लोगों को यहाँ पे? बिल्कुल आए, मैं तो कह रहा हूँ माशाल्लाह से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कूल भी है रैबर, वहाँ पे जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैं यहीं से ऑर्डर्स लेता हूँ, और हिदायत अकेडमी में मैं वहाँ से तखसस किया, तो वहाँ पे भी जब प्रोग्राम हुआ है नो डाउट आप पूछ भी सकते हैं, मैं यहाँ से बड़े बड़े ऑर्डर दिए हैं। और मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सऊदीया में, दुबई में, यहाँ से जब वो आते हैं कभी तो स्पेशली यहाँ लाता हूँ, वो मुझे अब तो यूँ कहते हैं कि वहाँ से कहते हैं यार वो अलबेग टेस्ट वाला होटल हमें याद है, हम भूलते नहीं हैं। अलबेग खवातीन हजरात पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हलाल फूड के हवाले से मशहूर है, और ये बता रहे हैं कि अलबेग का जायका भी, अलबेग का क्या जायका किस हवाले से, क्या कौन से आइटम पे? आप इनकी जिंगर बर्गर ले लें, ज़बरदस्त। आप मलाई बोटी इनकी जो मेरी फेवरेट है, और फिर उसके बाद आप इनका ये काफी सर, अलबेग का अगर जायका है अमली तौर पे तो हम जिंगर बर्गर जो है मैं ट्राई करूंगा। मैनेजर साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भजन जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कहते हैं जिसकी मूछ नहीं उसकी कुछ नहीं, आपने मूछें रखी हैं, और पहले एक एड आता था हमारे टीवी चैनल्स पे, मैं तो होंडे ही ले था, पहले ये बताया मैं इकबाल फूड आया मैं की ली सा भाई, आपको हम जिंगर खिलाएंगे, बारबेक्यू खिलाएंगे, रोल खिलाएंगे आपको, आप इतने मशहूर है माशाल्लाह, इतना बेहतरीन आपका जो टेस्ट है, तारीफों के पुल बन रहे हैं यार, मौलवी साहबान है आपके यहाँ पे, जो फैमिलीज हैं जो बेचारे कैमरे में नहीं आ रहे, पीछे फैमिलीज हैं जो कह रही हैं कि हम कैमरे में नहीं आएंगे, लेकिन जायका बहुत अच्छा है, तो क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्या पैगाम देंगे, क्यों मशहूर होते जा रहे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब की मेहनत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ एक नंबर इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है हमारी शुरू से ही, आज से नहीं है, तकरीबन 30 साल से हमारी दुकान है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ एक नंबर है, कोई 19-20 नहीं है हमारे माल में, बिल्कुल साफ़ सुथरा माल देते हैं, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है और रनिंग भी बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है।